हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भूल भुलैया की अपार सफलता के बाद मेकर्स ने सोचा कि कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी को लेकर एक और फिल्म बना देते हैं जो कि बहुत हिट हो जाएगी और रोमांटिक कॉमेडी रखते हैं। इस बार ट्रेलर रिलीज हुआ है उसका, आज उसके बारे में बात करते हैं। तो मेरा नाम अमित खुंडिया, आप देख रहे हैं मूवी रियाजम। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो शुरू करते हैं। तो 2.5 मिनट का ट्रेलर रिलीज हुआ है और ट्रेलर देख के जो स्टोरी और जो मूवी का समझ में आ रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। मूवी एक हार्ड कोर रोमांटिक मूवी होने वाली है। मूवी में बहुत सारे रोमांटिक सीन्स और सैड सीन्स बहुत ज्यादा है, तो आपको सैड भी करेगी। जैसा बॉलीवुड की मूवी का एक कॉन्सेप्ट होता है कि स्टार्टिंग में मूवी बिल्डअप होती है, रोमांटिक रहेगा, फिर बीच में कोई प्रॉब्लम आएगी और एंड बिल्कुल सैड सीन से या फिर हैप्पी एंडिंग होती है। तो वैसा ही इसका कॉन्सेप्ट लगता है, लेकिन कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लग रहा है मेरे को। टीजर आया था तो टीजर देख के लग रहा था कि हाँ कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन ये हर बॉलीवुड मूवी की तरह एक टिपिकल रोमांटिक मूवी हो सकती है, क्योंकि ट्रेलर में इन्होंने कुछ दिखाया नहीं है कि क्या हो सकता है। जो चीज समझ में आई है वो हमने और भी मूवीज में भी पहले देखी है। उसमें कार्तिक आर्यन के कुछ डायलॉग्स दिखाए हैं जो कि उसकी फैमिली के साथ अनबन रहता है, उसको लड़की नहीं मिलती है, तो वो देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा अगर अच्छी राइटिंग करी होगी। क्योंकि राजपाल यादव, गजराज राव और सुप्रिया पाठक जैसे अच्छे एक्टर हैं जो कि इमोशनल सीन भी अच्छे निकाल सकते हैं और कॉमेडी सीन भी अच्छे निकाल सकते हैं। तो मेन डिपेंड करता है राइटिंग कैसी रखेंगे। मूवी बहुत ही सिनेमैटिक लग रही है, बहुत सारे बड़े शॉट्स लिए हुए हैं और मूवी ग्रैंड मूवी लगती है जो कि थिएटर में देखी जा सकती है। लेकिन ट्रेलर से अभी जितनी हाइप टीजर से बनी थी, ट्रेलर से नहीं बनी है। कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी के फैन है तो बिल्कुल आप मूवी देखने जाएंगे। और म्यूजिक की बात करूं तो म्यूजिक काफी अच्छा लग रहा है। मूवी ट्रेलर के हिसाब से ठीक है, मतलब उम्मीद करी जा सकती है, क्योंकि या तो इन्होंने जो था मूवी का वो दिखा दिया ट्रेलर में ही, या फिर इन्होंने कुछ संभाल के रखा है ट्रेलर में जो कि सिर्फ थिएटर में ही दिखाएंगे, या अभी तो मूवी 30 तारीख को रिलीज होने वाली है। एक या दो ट्रेलर तो और भी आ सकते हैं और गाने भी अभी आने बाकी है मूवी के, तो बाकी ट्रेलर में पता चली जाएगा मूवी के बारे में कैसी मूवी है। और जब मूवी आएगी तो मैं रिव्यू बना के आपको बता ही दूंगा, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि मैं वीडियो डालूं तो आपको पता चल जाए। और अगर आप लोगों ने ट्रेलर देख लिया है तो अपने ओपिनियन कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल पे विजिट करें। मैंने जरा हटके जरा बचके मूवी का भी रिव्यू किया है और स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स का भी रिव्यू आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। वो देखें और कमेंट करके बताएं कैसा लगा।